हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स और आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद अब टीम इंडिया की अगली सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ घर में। 5 फरवरी से वो सीरीज शुरू हो जाएगी। ऐसे में उसके लिए आज ही टीम का ऐलान होना है। आप में से कई सारे लोग ये जानना चाहते थे कि टीम का ऐलान कब होगा, कौन कौन उस टीम में जगह बना पाएगा, तो ये वीडियो मैं आप ही लोगों के लिए लेकर आया हूं और बता रहा हूं कि टीम इंडिया का आज ही ऐलान हो जाएगा, कुछ ही देर में हो सकता है। जैसे ही ऐलान होगा मैं आपको बताऊंगा। और ऐलान से पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन वापस आ सकता है। विराट कोहली की वापसी तय है इंग्लैंड के खिलाफ, ईशांत शर्मा की भी वापसी तय है, वो खेलते हुए आपको दिख भी रहे होंगे, सैयद मुश्ताक में। बुमराह की भी वापसी तय है क्योंकि पेट में जो जकड़न है उनको वो थोड़ी दिन में, जब तक 5 तारीख आएगी तब तक वो ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन की जो पीठ में दिक्कत थी वो भी उम्मीद है कि वो भी पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे। इसके अलावा मोहम्मद शमी के बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, उनको थोड़ा समय लग सकता है। रवीन जडेजा और उमेश यादव और साथ ही साथ हनुमा विहारी की चयन के लिए जो है वो उपलब्ध अभी नहीं होंगे, क्योंकि अभी हो सकता है पहले और 2 टेस्ट मैच के लिए टीम का ऐलान किया जाए, उसके बाद फिर बाकी के दौरे के लिए किया जाएगा। तो अभी मुझे लगता है पहले टेस्ट मैच के लिए ये तमाम खिलाड़ी जैसे शमी, जडेजा, इसके अलावा विहारी, उमेश यादव, ये अवेलेबल नहीं रहेंगे। बाकी के जो खिलाड़ी हैं वो अवेलेबल रहेंगे, तो देखते हैं किसको चुना जाता है। चेन्नई में जो है 5 से 9 फरवरी तक पहला मुकाबला होगा और साथ ही साथ फिर 13 से 17 फरवरी तक दूसरा मुकाबला होगा। और इसके लिए टीम इंडिया को 27 जनवरी को बायो बबल जो होता है जब इंडिया में होगा जो, उसमें प्रवेश करना होगा। तो BCCI इन दोनों मैचों के लिए 16 से 18 खिलाड़ियों की एक लिस्ट जारी आज कर सकती है। बताएंगे आपको जो भी लिस्ट जारी होगी। फिलहाल ये खबर कैसी लगी बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।